IPL जारी है। SRH के अगर आप फैन हैं तो आपने यही सोचा होगा कि SRH की टीम टॉस जीते, टॉस जीतने के बाद पहले करे क्या बल्लेबाजी, क्योंकि विकेट भी उस चीज को असिस्ट करती नजर आई। लेकिन हुआ क्या, ये टीम जिसने सीजन में 3 बार 250 के ऊपर का आंकड़ा 3-3 बार पार किया है, उस टीम के जो ओपनर्स हैं जिन्होंने पूरे सीजन में ताबड़तोड़ तूफान मचा दिया था, वो फाइनल में बिल्कुल शांत रहे। उम्मीद थी कि भाई 2-3 मैच में लगातार फ्लॉप रहे हैं, तूफान के पहले की शांति हो सकती है, फाइनल में तूफान आएगा, लेकिन तूफान आया नहीं। और पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को बोल्ड कर दिया, और उसके बाद जब पहली गेंद फेस करने आए ट्रेविस हेड तो वो भी आउट होते चले बने, यानी कि दोनों ओपनर्स दिपेश फ्लॉप हो गए। और अब मतलब SRH की उम्मीदें बहुत ज्यादा कम मानेंगे आप इस फाइनल में? बिल्कुल, थोड़ी सी तो कम हुई है। अब आगे चाहे कुछ भी हो, आगे वो क्या पता हो, आगे और जो बल्लेबाज हैं वो अपना काम कर दें, लेकिन फिलहाल जितनी जो बहुत बड़ी खबर है वो यही है, मिचेल स्टार्क आए, उनके सामने ट्रेविस हेड बैटिंग ही नहीं करने आए पहले ओवर में, डर के मारे खुद स्ट्राइक नहीं लिए। एक ऐसा बल्लेबाज जिसे हम मैन ऑफ फाइनल्स बोलते हैं, कैसा मैन ऑफ फाइनल्स, मतलब आप ये बोलेंगे, मतलब आप ये ऑफिशियली बोल सकते हैं ना कि डर गए लिटरली मिचेल स्टार्क, डरे हैं आप, फेस करने उनको नहीं आए, आप फेस करने पहले ओवर में आपने भेज दिया एक यंग अभिषेक शर्मा को, और वो भी खुर्राते मिचेल स्टार्क के साथ। भाई दर्शकों को एक चीज ये बता दूं कि भाई ट्रेविस हेड जो है वो हर बार इस पारी में स्ट्राइक लेते नजर आए हैं हैदराबाद के लिए, लेकिन पहली बार इस सीजन में ऐसा हुआ जब उन्होंने स्ट्राइक नहीं ली, यानी कि माइंड गेम में KKR ऑलरेडी जीत चुका था, स्ट्राइक उन्होंने नहीं ली, अभिषेक शर्मा स्ट्राइक लेने आए, लेकिन फर्क क्या पड़ता, मिचेल स्टार्क ने उनको भी पहले ओवर में चलता कर दिया। अनप्लेएबल आउट स्विंगर डिलीवरी, 3 गेंदें भार फेंकी, 4th सीधा डंडे को मैच करती हुई ऑफ स्टंप लेके उड़ गई, उसके बाद क्या एग्रेशन भाई, एकदम आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो आपको चाहिए होता है एक अग्रेसिव फास्ट बॉलर से। बहुत बात हो रही थी 24 करोड़ रुपए इस पर उड़ा दिए, ये कर दिया, इस काम का नहीं है, उम्र अब जा चुकी है, वो बात नहीं है, लेकिन भाई आप जो होता ना एक्सपीरियंस उसको किसी चीज से बीट, मतलब 24 करोड़ 75 लाख आप कहेंगे कि वसूल, अगर अगर आज ट्रॉफी जीत जाती है KKR टीम तो जस्टिफाइड, क्या चाहिए, बस हो गया आपका काम, जो जिन जो टीम का सबसे मजबूत पक्ष था सामने वाली का उसको आपने उखाड़ के 2 मिनट में फेंक दिया, पहले क्वालिफायर में और अब फाइनल मैच में, तो ये भैया। और दूसरा वो मैन ऑफ फाइनल्स, काहे के मैन ऑफ फाइनल्स भैया, फेस करने नहीं आ पाए, वो इतना डर था, डर गए आप अपने हमवतन से, डर गए मतलब मिचेल स्टार्क के सामने आप डर गए। आप देखिए आंकड़े भी आपको बता देते हैं, दोनों खिलाड़ियों ने ना इस सीजन में, दोनों ओपनर्स जिनकी हम बात करें, ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा, एक ने 460 समथिंग रन बनाए थे 470 के आसपास, एक खिलाड़ी ने 567 के आसपास रन, दोनों ने मिला के अगर आप देखें 1000+ रन बनाए हैं और 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं दोनों ओपनर्स ने। सेकंड ओपनिंग पार्टनरशिप रही आफ्टर विराट कोहली एंड फैफ डुप्लेसी, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए इस आईपीएल में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट ये खिलाड़ी बहुत आगे थे, और जिस तरीके से इनका चलना इंपॉर्टेंट था, मतलब आप देखिए जब भी हैदराबाद की टीम ने शानदार परफॉर्म किया है दीपेश, हर बार 250 के आंकड़ा आपने 3 बार पार किया, तीनों बार यही दोनों ओपनर्स थे जिन्होंने काम किया है आपके लिए, और जब जब इस टीम को अच्छी ओपनिंग स्टार्ट नहीं मिली है तब तब यह टीम सेटबैक में गई है। इस बड़े फाइनल में भी ऐसा ही होते देखे हम, जहां पर दोनों खिलाड़ी नहीं चल पाए, क्या यह बहुत बड़ा सेटबैक है? बिल्कुल है, लेकिन क्या इसका रिजल्ट ऐसा होगा कि फाइनल में अब भी कुछ उम्मीदें SRH की बचती हैं या डिसअपॉइंट हो जाएगी? उम्मीदें कहीं नहीं जाती, क्योंकि अभी आपके 8 खिलाड़ी और हैं, और इन 2 खिलाड़ियों के बिना ये पिछले मैच में भी नहीं चले थे, लेकिन आपने राजस्थान को वहां हराया था, लेकिन फिर भी भाई मिचेल स्टार्क की हम बात कर रहे हैं, एक युवा वैभव अरोड़ा के बारे में आपका क्या कहना है, एकदम अनप्लेएबल इन स्विंगर, उन्होंने पहली ही गेंद ट्रेविस हेड को डाली, एज लेके सीधा दस्तानों में फंस गई, जो गलती टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में कर दी थी, पहली बॉल पे जो बुमराह ने चांस क्रिएट किया था वो विराट के पैर के बगल से चला गया था, वो यहां नहीं हुई है, पहली ही बॉल पे ट्रेविस हेड, फिर भाई बात है मैन ऑफ फाइनल्स, मैन ऑफ फाइनल्स आज मैंने देख लिया है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी भाई डर गए, पूर्ण रूप से डर गए, मिचेल स्टार्क को फेस करने नहीं आए, पहला बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया, तो इतना प्रेशर में आ गए कि एक युवा जो अभी तक जिसने कभी डेब्यू कैप पहनी भी नहीं है, कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने आपको आके पहली बॉल पे आउट कर दिया, ये रही है कहानी। आगे कुछ भी हो KKR प्लान बना के आई है और पूरे प्लान्स के साथ आई, और उन प्लान्स पे स्टिक करते हुए SRH बिल्कुल अभी तो फिलहाल घुटनों पर है। कर्सी गौतम गंभीर इतने सारे प्लान के पीछे, पर्दे के पीछे विनिंग और नथिंग, सीधी मेंटेलिटी है विनिंग और नथिंग, और उस मेंटेलिटी पे जब आप चलते हैं तो क्या ये ऑस्ट्रेलियन सामने, क्या बड़े मैच का प्लेयर ये, कोई ये सब बातें रह जाती हैं, और मिचेल स्टार्क किस तरह यूज किया गया है, किस तरह आपने अपने एक बॉलर को बैक किया है और उसने रिजल्ट दिए हैं। चलिए रिजल्ट तो दिया है, लेकिन टॉस के समय भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने कहा कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता था, हमें पहले बॉलिंग ही करनी थी, मतलब प्लान्स कहीं ना कहीं टीम के बहुत क्लियर थे, हैदराबाद ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी, तो भाई ये बड़ा फाइनल था, और पहले ही 2 ओवर में कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम ने धावा बोल दिया है। टॉस के समय क्लैरिटी थी, हम गेंदबाजी करेंगे, सामने वाली टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ पहले 2 ओवर के अंदर ये चीज डिसाइड हो गई कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत बड़े एडवांटेज में है, और क्या ये हम कह सकते हैं कि पहले 2 ओवर के अंदर ही फेट इस फाइनल का डिसाइड हो चुका है? बहुत हद तक डिसाइड हो गया था, और बिल्कुल ये 2 ओवर उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात तय कर दी थी कि अब इस फाइनल में जो अपर एंड है ना वो KKR की टीम का ही है।